दोस्तों इसी महीने ईद के मौके पर रिलीज हुई मूवी रेस 3 और इस मूवी ने पहले ही दिन ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। आपको बता दें कि इस मूवी के अंदर सलमान भाई जो थे वो लीड रोल के अंदर थे, हालांकि उनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया गया और इस मूवी के स्टंट सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए, लेकिन इस मूवी के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं स्टोरी की कमजोरी ज़रूर नज़र आई। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को लेकर सलमान खान और रमेश तौरानी जो है वो रेमो डिसूजा से काफ़ी हद तक नाराज भी नज़र आ रहे हैं। अब इस बात का खुलासा तब होता है जब रमेश तौरानी ने ये खुलासा किया कि अगली जो रेस 4 आने वाली है उसे वापस से अब्बास मस्तान ही डायरेक्ट करेंगे। आपको बता दें कि पहले के जो दो पार्ट्स थे रेस 1 और रेस 2 जिसके अंदर सैफ अली खान लीड रोल के अंदर थे उसे भी अब्बास मस्तान ने ही डायरेक्ट किया था। इस हिसाब से लोगों का कहना है और क्रिटिक्स का भी कहना है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से पहले वाली रेस ज़्यादा अच्छी थी और इस रेस 3 के अंदर मात्र स्टंट ही स्टंट दिखाए गए हैं, स्टोरी लाइन कुछ भी नहीं थी। इसी वजह से अब रेस 4 के लिए मेकर्स ने ये नया डिसीजन लिया है। टिप्स और एसकेएफ ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि अब्बास मस्तान ही रेस 4 डायरेक्ट करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा जब रेस 4 की शूटिंग होती है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेस 1, 2 और 3 के अंदर से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी।